मैं हूं डॉक्टर आदर्श शर्मा, आई एम 68 ईयर्स ओल्ड और मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊंगा अपने फाइनेंसिस के बारे में। हम क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो हमारा काफ़ी टाइम अपने प्रोफेशन में बीतता है, तो जो हमारे स्पेयर मनी होती है पिछले 30-40 साल से मैं सोच रहा था इसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो शुरू में हमने कुछ एफडी करवा दी, तो थोड़े बहुत शेयर खरीद लिए, कहीं लॉस भी हुआ और जो रिटर्न भी आया बहुत काम का नहीं था, तो ऐसे चलता रहा काफ़ी साल। और तकरीबन 9 साल पहले मैं माई शुभ निवेश के कॉन्टेक्ट में आया, तो हमें पता चला कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्लानर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो उन्होंने हमें बताया कि आपके जो स्पेयर फंड्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, तो इनकी बात सुन के हमने इनके साथ जुड़ गए और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया। कुछ पैसा हमारे पास था और कुछ हमने SIP की फॉर्म में लगाना शुरू किया और हमें लगा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैसे को मैनेज करते हैं। और एक चीज़ उन्होंने हमें बड़ी अच्छी सिखाई जो आप लोगों को भी पता होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो पैसा इन्वेस्ट करते हो अगर इन्वेस्टेड रहता है तो धीरे धीरे जिस तरीके से वो मल्टीप्लाई होता है वो उसमें काफ़ी फोल्ड इंक्रीज आ जाता है। तो क्योंकि हमें इसका नॉलेज नहीं होता, तो जब कोई प्रोफेशनल हमें इसका नॉलेज बताता है तो इसके बारे में जो हमारे फंड्स को मैनेज करता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल प्लानर और मैनेजमेंट वाले लोग बहुत हैं मार्केट में, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि वो सिंसियर नहीं होते, उनको अपना इंटरेस्ट पहले होता है। और माई शुभ निवेश के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इनका इंटरेस्ट आपके क्लाइंट के लिए ज़्यादा है। दैट्स व्हाई मैं देख रहा हूँ कि इनके क्लाइंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और दे आर वेरी सिंसियर टू देयर क्लाइंट। और देखिए ये हमारा फाइनेंस प्लान करते हैं और हम यहाँ गोल्फ खेलते हैं। थैंक यू सो मच।